हेलो गाइज, आई एम बैक इन प्लैनेट क्राफ्टर। यार पिछली बार तुम लोगों ने देख लिया था हमने कैसे अपना पूरा आसमान नीला कर दिया था। गेट कहाँ गया यार, मैं गेट कैसे भूल जाता हूँ। हाँ ये रहा, एक तो सारे कमरे एक जैसे दिखते हैं। देखो गाइज, पूरा का पूरा आसमान अपन ने नीला कर दिया। एंटीना भी लगा दिया था हमारी, मतलब हमें कुछ मैसेजेस भी मिल गए थे जिससे हमें पता चला था कि हम एक क्रिमिनल हैं जिसको अपनी लाइफ अगर बचानी है तो इस प्लेनेट को चेंज करना ही पड़ेगा। ये हमें पिछली बार पता चल गया था। तो यार हमें यार कैसे भी करके ना ये प्लेनेट को चेंज करना है, क्राफ्ट करना है, जो कि एक नियर टू इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो अब देखते हैं यार। आज तो हमने अभी हो गया, अब अगला स्टेप हमारा देखो क्या है, क्लाउड्स बनाना। और क्लाउड्स बनाने के लिए हमें ऐसे ही ग्रोथ करते रहना पड़ेगा। और पता है मेरे पास एक नई क्राफ्टिंग मशीन आ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ ना इसको हटा के उसी को बना लूँ। लाइक ये देखो, ये आ गई है मेरे पास। और इसके लिए मेरे को चाहिए एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम करने के लिए हमें जाना पड़ेगा माइन। एल्यूमिनियम घूमने मतलब ग्राइंडिंग करनी है आज तो बहुत ज़्यादा। तो ये सारा सामान ना मैं रख देता हूँ इधर, इसमें ये सब रख देते हैं अपन। मेरा ऑक्सीजन भी तो मैं साथ में लेके जाऊँगा, ऑक्सीजन तो खाना भी लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरे को और कुछ तो नहीं चाहिए खाना। ओके, पेट तो मैंने भर लिया, एक पैकेट रख लेता हूँ। पर ऑक्सीजन और है क्या मेरे पास? नहीं है यार, ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास, व्हाट द हेल। ठीक है देख लेता हूँ मैं, पानी तो ठीक है, पानी का काम हो जाएगा, दो तो यूज़ हो ही जाएंगे। ये ले चलता हूँ, डन, लेट्स गो। अभी हम चलते हैं, या फिर खाना नहीं ले जा रहा यार मैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है ना बीच में कहीं पड़ा मिल जाएगा मेरे को। मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, बस यही सामान लेके जा रहा हूँ। और मुझे पता है आज मुझे कहाँ जाना है। तो मैं जहाँ तक याद हो पिछली बार हमने एक जगह देखी थी जो एक मतलब ब्रिज टाइप की दिख रही थी, लाइक स्पेसशिप टाइप की, पता नहीं क्या था वो। उस साइड में आज जाने वाला हूँ, बहुत क्रेजी होने वाला है। जल्दी से पहले लाइक कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है, और शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अभी हम 200 KTI पे पहुँचने वाले हैं, पर हमें अभी तो बहुत आगे जाना है। अभी हमने आसमान पूरा नीला कर दिया है, तो आज मैं उस जगह पे जाने का सोच ही रहा हूँ जहाँ पर मुझे जाना है। देखो मैं बताता हूँ, तुम्हें भी दिख जाएगी। यहाँ से ऑक्सीजन ले लें पहले अपन, थोड़ा बहुत भी कम हुआ है ना तो काम आ जाता है। ये देखो ठीक है, और मैं तो सोच रहा हूँ आइस पड़ी है ना, एक बार पानी की बोतल बना के पी लेते हैं। यहाँ भी तो अपना क्राफ्टर रखा हुआ है, ये रहा पानी, एक पी के ही चलता है मतलब फुल करके। लेट्स गो, अब निकलते हैं यहाँ से। देखो अभी तो मैं आगे जाके ना वो जगह दिख जाएगी भाई, वो जगह ना वहाँ पर है, वो जो सफ़ेद पहाड़ दिख रहा है ना, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो बर्फीले पहाड़ है या रेगिस्तान है, दो चीज़ों में से एक हो सकती है वो। अभी जाके मैं देखता हूँ। बहुत ज़्यादा यार, मतलब इस वाले पता नहीं प्लेनेट पे क्या क्या अजीबोगरीब चीज़ें मिलने वाली हैं यार। भाई मैं तो सोचना, मतलब इसको खेलते खेलते ना मेरे दिमाग में एक बात आने लगी है कि हम इन फ्यूचर शायद हमारी जनरेशन नहीं, आने वाली जनरेशन जब प्लेनेट पर जाएगी ऑब्वियसली, और हो गई भाई, प्लेनेट कॉलोनाइज होंगी क्योंकि अभी काफ़ी लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें खरीदना स्टार्ट कर दिए, मून पे ले ज़मीनें ले ली हैं। और तुम तो जानते हो भाई एलन मस्क को, वो तो प्लेनेट बने उसका तो सपना है भाई कॉलोनी बनाने का, और वो तो अपनी जनरेशन का है। तो मुझे लग रहा है इसी जनरेशन में ना हो जाए कि वो मार्स पे कॉलोनी बना दे। तो ऐसे ही करके यार अपन को ग्रोथ करनी पड़ेगी वहाँ पर। वहाँ पर ना काफ़ी ऐसा मतलब बोला जाता है कि उन प्लेनेट पर ना न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके जाएंगे, न्यूक्लियर ब्लास्ट करा जाएगा, जब जाके वहाँ पर नया एनवायरनमेंट बनेगा, बहुत सारी आग निकलेगी। मतलब जब अपनी बिग बैंग थ्योरी, जो अपनी अर्थ बनी थी वो भी तो ऐसे ही बनी थी बिग बैंग थ्योरी से। पर यार वो कहाँ गया जो मुझे उस दिन दिख रहा था। और मेरे को अपना ऑक्सीजन का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ यार आज। मेरे को देखना है एल्यूमिनियम भी मिलता जाएगा ना, तो वो भी मैं कलेक्ट करता जाऊँगा। लिटरली ये तो बिल्कुल अंधेरी वाली जगह है, ये आइस है यार, ये आइस और एल्यूमिनियम ना लगभग एक जैसा दिखता है भाई। वो जगह का है यार, ये क्या है? ओहो भाई खाना, और शिट यार खा गया मैं गलती से। ठीक है कोई नहीं, अभी मेरे को जगह नहीं खत्म करनी है अपनी। यहाँ मैं आ गया था ना पिछली बार, हाँ यहाँ मैं आ गया था, ये रहा, यही चाहिए अभी तो, एल्यूमिनियम ही चाहिए मेरे को। ये पता नहीं जगह ऐसी खतरनाक सी है ना, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा रहता है इस जगह पे। वहाँ पर एक और पड़ा है, मैं आया था ना, ये खाली होना चाहिए, नहीं है। ओह भाई ये सही है, मेरे को मिल गया यार, मेरे को एडवांस क्राफ्टिंग मशीन बनाने के लिए तो सामान मिल गया है। ये क्या है? अच्छा कोबाल्ट है। ये यहाँ नहीं आया हूँ मैं यार, ये नई जगह बता रहे हैं। मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ। ओ भाई अंदर देखो, ओ ऑक्सीजन लेवल लो, ये लो भाई लो भाई, बहुत सारा एल्यूमिनियम मिल रहा है, नाइस। को ज्यादा दूर जाने ही नहीं पड़ेगा, यहाँ तो बहुत सुपर अलॉय भी मिल गया मुझे।
ये फाइवर का पता नहीं क्या काम आने वाला है, बाद में पता चलेगा ये। चलो अभी तक तो मेरे को काफी चीजें मिल गई हैं, जो मेरे को जगह देखनी थी ना वो जगह नहीं मिली है। बाकी इस जगह पे बहुत ज्यादा सामान है यार, काफी दूर आ गया हूँ मैं। एक तो मेरे को ना अपना बैग भी बड़ा करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम तो काफी मिल गया मेरे पास, कुछ टाइम तक तो एल्यूमिनियम की कमी नहीं होने वाली है। मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो क्या है, मैं वापस मुड़ जाऊंगा। देखो गाइस वहां भी कार्गो शिप का मलवा पड़ा है, कितना मतलब कार्गो शिप। ओके ओके ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्ट्रक्चर्स बने हो यार। ओह गोल्डन क्रेट, गोल्डन क्रेट, कुछ तो अच्छा मिलेगा इसमें। ओह नहीं यार, ये मिला है और एक सुपर एलॉय मिल रहा है, क्या करूं मैं, क्या फेंकूं यार। पानी तो मैं कभी भी बना सकता हूँ, इसे हटा। इरिडियम रॉड मिल रही है यार। अरे यार इतनी जगह, फैब्रिक फेंक देता हूँ, मेरे को अभी ज़रूरत भी नहीं है फैब्रिक की, मेरे को सुपर अलॉय की ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है। भाई वो देखो, ये तो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर सा दिख रहा है यार, काफी सामान है यहाँ पर, लिटरली काफी सामान है। वो चीज मेरे को अभी तक नहीं दिखी है, मेरा बैग फुल हो चुका है तो मेरे को घर जाना ही पड़ेगा। बाकी ये क्या है यार, ये तो बिल्कुल स्ट्रक्चर टाइप दिख रहा है, देखो जैसे बनाया गया हो ये। और मेरे को वो जगह नहीं दिखी यार, वो जो मैं बोल रहा था स्पेशल वाली। चलो अभी तो मेरे को घर की साइड जाना है, मैं वापस आऊंगा इधर। मेरे को लग रहा है एक आध बेस मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, हाँ ये मैं अगली बार करता हूँ। मैं पता है क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, यहाँ एक बेस बना दूंगा अपना, ठीक है। और यहाँ पर ना एक क्रेट बना दूंगा तो उसमें सामान रख पाऊँगा मैं पूरा। एक मेरे पास आयरन तो अभी भी है, पर ठीक है अभी मेरा काम हो गया ना तो मेरे को क्राफ्टर बनाना है। क्या पता उस क्राफ्टर, एडवांस क्राफ्टर बनाने के बाद मेरे पास जगह बढ़ जाए, ये भी हो सकता है ना। अब मैं डायरेक्ट सीधा आऊँगा इधर से ही, टेढ़ा आड़ा नहीं जा रहा। वो जगह मेरे को यार दिखी नहीं जो पिछली बार दिख गई थी यार, तुम लोगों ने भी देखा होगा पिछली वाले में, वो जगह पता नहीं कहाँ है। अब मैं ना इधर जाऊँगा सीधा। वो देखो वहाँ कुछ दिख रहा है, नहीं नहीं पत्थर का ही हिस्सा है शायद, वहीं जाऊँगा पर मैं अब। चलो अभी तो मैं निकलता हूँ अपने स्पेसशिप पे। भाई एक तो ना क्लाउड बनाने में थोड़ी सी हालत तो खस्ता होगी वो नो डाउट, पर मैं शायद 12-13% पे तो पहुँच चुका हूँ क्लाउड बनाने के। चलते हैं जल्दी से, और अभी तो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ एडवांस क्राफ्टर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को अभी, क्योंकि उसमें ना नई नई चीज़ें बनाने मेरे को मिल जाएंगी। अभी का जो क्राफ्टर है ना उसमें इतनी अच्छी चीज़ें हैं नहीं बनाने के लिए, जब तक मैं क्राफ्टर नहीं बनाऊंगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे को जल्दी से एडवांस क्राफ्टर बनाना है। एक नया मैसेज आया है मुझे, ये रायली ने किया होगा मुझे लग रहा है, रिले ने, रायली रिले क्या नाम है उसका पता नहीं। हाँ चढ़ जा, हाँ चढ़ गया। ओके तो मेरे को तो लग रहा है यार जेट पैक वेट पैक भी होना चाहिए था, कि थोड़ा सा ऐसा उड़ के निकल सकते थे अपन। चलो यहाँ पर जाता हूँ भाई, मेरा घर तो बढ़िया दिखता है यार, कुछ भी कहो, नीचे मशीनें चल रही हैं। मैं एक बार देख लो अवेलेबल सोर्स कितना है मेरे पास, एनर्जी कितनी है, 24 है। चलो ये भी बढ़िया है। अभी मैं यहाँ पर रख देता हूँ कुछ सामान, इरिडियम रॉड मिल गई है मुझे, और एक काम करते हैं अपने को ब्लू प्रिंट भी मिला है तो वो भी खोल लेते हैं। एक क्या मिल गया हमें, एरिया लैम्प, ओके लाइट चलती है क्या इस लैम्प से, देखें ज़रा। ये तो बीकन है, ये शायद एडवांस, ये रहा अ लैम्प दैट कैन, भाई लाइट ही है ये, अच्छा लगेगा वैसे तो। मैं यहाँ देख लेता हूँ, मेरे को ना काफ़ी चीज़ें ऑफलाइन करनी पड़ेंगी इसमें। मैसेज कहाँ है, मैसेज कहाँ पढ़ते हैं अपन, मैसेज ये रही, कौन सा मैसेज, ये आया सेंटिनल कॉप से मैसेज आया मुझे, योर प्लैनेट स्पेसिफिकेशन एंड आइडेंटिफाइड कॉर्पोरेशन ओनरशिप अनक्लेम्ड हैबिट नल, मतलब कोई हैबिटेबिलिटी नहीं है, मतलब है ही नहीं ना हैबिटेट तो यहाँ पर, हमें बनाना पड़ेगा वो। इजिशियल प्लैनेट का नाम ही नहीं है, इज लोकेटेड इन इजिशियल, अपन तो मार्स बोलते हैं इसे, सेक्टर अ प्री सिविलाइजेशन सेक्टर, मतलब क्या होता है प्री सिविलाइजेशन, मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, हाँ मतलब अभी यहाँ सिविलाइजेशन आई नहीं है। क्रॉस मोस्टली बाई ट्रेड शिप, अच्छा ट्रेड शिप से क्रॉस होता है इसलिए ये ट्रेड शिप इतने सारे गिरे पड़े हैं यहाँ पर, कभी कभी कोई गिर जाते होंगे स्टॉर्म में फंस के। ट्रैवलिंग बिटवीन बिग स्पेस पोर्ट्स द सेक्टर हैज 842 प्लैनेट्स 132 जो भी बोले स्टार 13,511 स्टार्स एंड इज 7,000, भाई बहुत बड़ा सोलर सिस्टम है ये तो पूरा।
सोलर सिस्टम नहीं, सॉरी ये तो गैलेक्सी है, 842 प्लैनेट्स। द प्लैनेट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज पॉसिबल कैंडिडेट फॉर फ्यूचर कॉलोनाइजेशन। ओके, मतलब ये बन सकता है, अभी 3058 चल रहा है, लेट्स सी कब तक हम बना पाएंगे। तो मैं यार इसको हटा के ना मैं बनाने वाला हूँ ये वाली मशीन, जो कि हमें टाइटेनियम मैग्नीशियम और सिलिकॉन चाहिए। तो टाइटेनियम मैग्नीशियम और सिलिकॉन मेरे को लग रहा है इधर मिलेगा मुझे, टाइटेनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन, ठीक है। और इसको हटाने वाला हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और ये कितनी बड़ी बनेगी मेरे को देखना पड़ेगा, अरे काफ़ी बड़ी बनेगी यार ये, मेरे को इसे खाली करना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ये देखता हूँ ये कितने में बन रही है, 3 आयरन में ना, मेरे पास 3 आयरन है क्या, एक और आयरन मिल गया, एक आयरन और चाहिए, बाहर से लेके आना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बनाना ही पड़े। ओके नहीं, दो आयरन अपनी मैं बिना ये जल्दी से लेके आता हूँ, मेरे को अलमारियाँ बनाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और मैंने सोच लिया अलमारी की जगह मैं कहाँ बनाने वाला हूँ, ये एक कॉर्नर है ये वाला, यहाँ मैं अपनी अलमारी यहाँ बनाने वाला हूँ, जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये देख, आई लाइक इट, और खुली भी है भाई, ठीक है। मैं इसमें ना काफ़ी चीज़ें डाल देता हूँ, मैं वहाँ से सारा सामान उठा के ले आता हूँ। ये बढ़िया है गाइस, दोनों चीज़ एक ही जगह बन गई हैं, तो इसमें तो अपन ने सब कुछ देख लिया और अपने पास सब कुछ है भी। पर यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ एक जेट पैक है जिसके लिए मेरे को रॉकेट इंजन चाहिए। अब ये रॉकेट इंजन कैसे लेके आऊँगा मैं, ठीक है, पर कोई नहीं, हम रॉकेट इंजन बना सकते हैं। यूरेनियम 2 चाहिए, पर 2 रॉकेट इंजन बनाना है, मेरे पास यूरेनियम सिर्फ 1 है, और मीटियोर शावर हो गया है, मेरे को आवाज़ आ रही है। रॉड है मेरे पास, रॉड में बना सकता हूँ, इतना सारा इरिडियम चाहिए एक रॉड बनाने के लिए, और इतना सा बाप रे, ऑक्सीजन बना सकता हूँ मैं, ये ठीक है ये बना लूँगा, और बैकपैक बना सकता हूँ, मेरे को बैकपैक भी चाहिए भाई, क्या क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं, इसमें मेरे को यूरेनियम चाहिए 1, और एक सुपर अलॉय और एक रॉड, ठीक है। मेरे पास मुझे लग रहा है ये हो सकता है, मेरे को ये 2 चाहिए। अच्छा हीट वेव आई हुई है, 2 यूरेनियम नहीं है मेरे पास, 1 ही यूरेनियम है, और हीट रॉड 1 है, नहीं बना पाऊँगा यार, एक बना भी लूँगा तो कोई मतलब नहीं है, मेरे को ना और एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, बहुत सारा यूरेनियम लाना पड़ेगा, इतने से यूरेनियम से तो काम नहीं होने वाला है। तो एक काम करते हैं, अपन बना लेते हैं ज़रा बैकपैक अच्छा वाला, क्योंकि अब चीज़ें चाहिए, 3 सुपर अलॉय एक टाइटेनियम चाहिए, 3 सुपर अलॉय और एक टाइटेनियम। मैं हटा सकता था यार वो, मैंने फालतू बनाया है वो क्राफ्टर, ठीक है देख लेंगे बाद में हटा देंगे। 3 सुपर अलॉय और एक टाइटेनियम, व्हाट द हेल, होना चाहिए इसमें, होना चाहिए टाइटेनियम, ओके मिल गया, मेरे को लगा नहीं होगा। तो ये लो, ये बैकपैक मैं बना सकता हूँ, आ गया बैकपैक आ गया, ओके। अब मेरे पास स्पेस देखो भाई, ये ही तो चाहिए था, और मैं तो ऑक्सीजन भी बना सकता हूँ क्या। 3 सुपर अलॉय और 1 कोबाल्ट, अरे यार आई होप 3 सुपर अलॉय मिल जाए मुझे, 1 2 शिट, 1 ही कमी है, यहाँ पर है क्या, हो क्रेजी। ये लो 3 सुपर अलॉय और 1 क्या चाहिए था, कोबाल्ट, कोबाल्ट तो होना चाहिए यार, मोस्टली होना चाहिए, नहीं होगा तो कोबाल्ट तो बाहर मिल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है वैसे है। ये भी बन गया ब्रो, और 370 हमारी हेल्थ हो गई है। इसी के साथ अपन पानी पीते गटैक से और चलते हैं अब जटैक से, लेट्स गो। और हमें अब इकट्ठे करने हैं सुपर अलॉय, यूरेनियम रॉड्स, यूरेनियम बहुत सारे और टाइटेनियम रॉड, समझ गया गाइस, बहुत चीज़ें इकट्ठी करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, आई होप रॉड्स वॉड्स मेरे को ऐसी बड़ी मिल जाए। तो मैं पहले तो एक आना रख लूँ, या खाना मुझे मिल सकता है या मैं खा लूँ, तीनों चीज़ में से कुछ भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ मेरा भट्टा हो गया हो, इसमें कितना 100% ले लिया मैंने, ये कितना है 100%, ये भी ले लिया, अभी देखो इससे कित, ओ 60%, ये लो भाई फुल। अभी खाना नहीं चाहिए अपन को, अपन को बस पानी चाहिए जो अपन नीचे उतर के बना लेंगे, और हमको ठीक है और कुछ नहीं चाहिए। मैं यूरेनियम और ये सब रख देता हूँ यहीं पर, मेरे पास सिर्फ 3 यूरेनियम, 4 होते तो मेरा एक जेट पैक का हिस्सा बन सकते, नहीं 2 बन सकते थे क्या पता। अब मैं निकलने वाला हूँ, हीट वेव आ रही, नहीं मेरी फट गई, ये देखो देखो गाइस थोड़े थोड़े बादल आने लगे ना, ओह भाई क्लाउड्स दिखने लगे हैं, नाइस चलो निकलते हैं। अब ये देखो यहाँ तो पता ही नहीं क्या है ये, मतलब पत्थर कौन से हैं ये भी समझ में नहीं आता, ग्रेनाइट ग्रेनाइट तो नहीं है ये, पर यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल अलग ही माहौल हो जाता है बिल्कुल।
डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है यहाँ, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलो तो फिर रोशनी। बाकी वो प्लेनेट देखो कितना वाइट दिख रहा है, अभी अपन यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो पूरा कलर वलर सब चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ की बर्फ भी पिघलेगी क्या? ओह नाइस भाई, केव्स खुल जाएंगी तो इन पहाड़ों के अंदर जा पाएंगे हम। अरे नहीं, ये मलबे के पीछे कुछ रखा है जो मुझे ग्लिच से दिखा। हाँ यहाँ कुछ है, और ये क्या है, इसके ऊपर कुछ बना हुआ है, ये क्या है? यू कैन डिस्ट्रॉय विथ एक्सप्लोजिव्स। ओह भाई इतनी सही सही चीजें, मैं तो मतलब सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है इतनी सारी चीजें यहाँ। एक्सप्लोजन भी, अपन को एक्सप्लोजिव्स बनाने उधर जाके फिर मतलब भाई मजा आ जाएगा। मेरे को तो लग रहा है एक्सप्लोजिव शायद यूरेनियम वगैरह इरिडियम से ही बनेंगे और क्या। तो देखो देखो बादल आने लगे हैं, नहीं कोई गैस है आई थिंक ये। ओह ये क्या स्ट्रक्चर है, ये कोई सैटेलाइट का हिस्सा है क्या? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था इसे। बाकी यहाँ पर तो कुछ अलग ही गैस टाइप की निकली हुई है। ओके मेरे को अब ऑक्सीजन ले लेना चाहिए, ये वक्त है। वैसे उसने लो ऑक्सीजन बोला नहीं था, इतना लंबा है ना तो क्या ही बताऊँ मैं। तो भाई ये तो बिल्कुल ही सही हिस्सा लग रहा है, और यहाँ मतलब बेस बनाने के लिए तो बेहतरीन जगह लग रही है मेरे को। ये क्या है, सिलिकॉन ही है यहाँ, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है यहाँ पर। पर ये तो भाई कितना बड़ा है, इधर यार बेस बनाने में मजा आ जाएगा यार। पर मेरे को पूरा सामान यहाँ लेके आना पड़ेगा यार, बहुत सही जगह है। क्या बोलते हो गाइस, इस जगह पे बेस बनाना चाहिए अपना? ऑलरेडी जो बेस बना है वहीं बेस रखना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? मेरे को कमेंट करके बताना यार, ये जगह दिख तो बहुत सही रही है, नो डाउट। वहाँ पर कुछ है क्या? नहीं। ओके यहाँ कुछ है, क्या है, कुछ है तुम्हारे पास? ये नहीं चाहिए यार, ले लेता हूँ मैं, बहुत सारे प्लांटर्स लगाने हैं मेरे को वैसे। ठीक है नहीं, लाइट जला ली जाए। ओके बाहर से तो छोटा सा दिख रहा था ये, वैसे मैं यहाँ से नहीं जा सकता। हटो हटो, गेट लॉस्ट, इधर रास्ता नहीं है, इधर भी नहीं है भाई, यहाँ कुछ है। ओहो दो दो ब्लूप्रिंट चिप, पानी भी रख लेते हैं, प्यास सभी बुझा लेंगे अपन जैसे ही लगेगी। तो यहाँ पर और भी सामान है। ओ भाई इतना अंदर तक है ये, भाई ध्यान से देखना पड़ेगा, ऐसे ना ब्लूप्रिंट मिलते रहते हैं। ओके एक काम करता हूँ, पहले इस कॉर्नर में चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये ख़त्म है। इधर और कुछ नहीं है ना? नहीं, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ से तो मैं आया हूँ ना। ठीक है ओके, राइट में कुछ नहीं है, इधर अपन ने लूट लिया है तो अब अपन को अंदर ही जाना है। ओके भाई एकदम से काला हो जाता है। यहाँ कुछ है, यहाँ तक कैसे जाऊँ मैं जंप करके? हेलो एक मिनट, इसे नहीं तोड़ सकता हूं मैं, इसको कैसे जाऊं मैं भाई यार सीरियसली? मेरे को नई फ्लैशलाइट चला के भी मतलब क्राउच भी नहीं कर सकता हूं क्या? नहीं, उसमें कुछ तो अच्छा रखा। ओह खुल गया खाना है, ठीक है रख लेते हैं। ये क्या है, नहीं रख लेते हैं, अभी जब खाली होगा ना तो फेंक देंगे, अपन को जगह जैसे नहीं रहेगी ना फेंक देंगे इधर से। ये देखो यहाँ पर ये तो चाहिए यार, ये भी रख लेते हैं क्योंकि मेरे को चाहिए रहेंगे, खाना बनाना है ना मेरे को, बहुत सारे प्लांटर लगाने पड़ेंगे अभी। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, एक एक चीज़ मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इस साइड देख लूँ पहले, इधर इधर ज़्यादा जगह नहीं है, पर यहाँ कुछ है। ओके यहाँ कुछ है, ये क्या जगह है, यहाँ से तो मैं आया था। ठीक है इसमें कुछ नहीं है यार, रॉड वॉड दो ना, इरिडियम विरिडियम की क्या क्या फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ। चलो ब्लूप्रिंट चिप चलेगी। ओके यहाँ से एक रास्ता है भाई, कितनी बुलबुलैया है, और वहाँ एक मैसेज भी है। ओके ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है, एक मिनट इसे खोल लूँ मैं, देखा मेरे को फेंकना पड़ेंगी चीज़ें। एक मिनट पहले ऑक्सीजन लेते हैं, क्या फेंकूँ क्या फेंकूँ, पानी पीना है। हो गया ना ये, हो गया ना, हाँ एक मैसेज और है जल्दी से पढ़ लेते हैं। टुडे वॉज द स्पेस टुक 2 years टू बिल्ड एंड फाइनली अलाउ अस टू इजीली क्रॉस द इनिशियल प्राइमल सेक्टर। एज सून एज टर्न द मेन पावर रिएक्टर एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, द
द पावर इमीडिएटली वेंट डाउन एंड रिएक्टर स्टेबिलाइजेशन, मतलब मेरे से पहले भी यहाँ कोई आ चुका है 3034 पे, एंड द स्पेसशिप वाज इनिशियली ड्रॉन टू द क्लोजेस्ट प्लैनेट. वी हैव ट्राइड एवरीथिंग टू फिक्स इट बट इट सीम देयर इज नथिंग वी कैन डू. द होल crew escaped into the escape pod and I sent a distress signal. I am going to my pod now. To what a waste, all these months of work will be lost. I can't understand what happened. This shouldn't be happen. Oh bhai, yahan log hai kya? Okay, ye kya hai? Fusion reactor hai. Par isme karna kya rehta hai? Mere paas kuch hai hi nahi jisko main fuse kar sakun. Iska baad mein pata chalega shayad mujhe. Theek hai, to ye ho gaya. भाई मेरे को लग रहा है यहाँ गाइस और लोग भी हैं, या तो वो किसी और प्लेनेट से आया है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया. वो ये मेरे को अभी नहीं चाहिए यार, अभी मेरे को जो चीज़ चाहिए ना मैं उसी को ढूंढने आया हूँ, वो है इरिडियम और यूरेनियम, वो सब मुझे मिल जाए तो बेटर है. पर यहाँ पर मेरे को काफ़ी चीज़ मिल गई है. ओके, पर ये वाला नहीं चाहिए यार, मैं बना लूँगा, मैं इससे जगह नहीं खाना चाहता हूँ. उधर कुछ है नहीं, नहीं है, बाहर निकलने का रास्ता है बस, अब बाहर निकल जाते हैं यहाँ से. इधर और कुछ तो नहीं दिख रहा है मेरे को. लेट्स गो आउट, ये भी खोल लिया अपन ने. इधर जाना है भाई, कितना भाई कितना अजीब करीब है. पर ये पॉड्स हैं कहाँ पर? अगर ये इधर ही हैं तो पॉड्स में देखो गाइस, तो मैं समझाता हूँ मैं पॉड्स होता क्या है. न्यू मैसेज रिसीव्ड, मेरे पास कोई मैसेज आया है. तो यार देखो पॉड्स क्या होता है ना, पॉड्स ऐसी चीज़ होती है लाइक उसमें हाइपर स्लीप होती है. हाइपर स्लीप बोले तो मतलब आप बहुत टाइम तक उस पॉड में जिंदा रह सकते हो, आप पूरे टाइम सोते हुए रहोगे, आपके ऑर्गन्स ना इंटैक्ट रहेंगे. तो है ना ये किया जाता है, तुम लोग मूवीज देखोगे ना तुम्हें समझ में आएगा भाई, बहुत सही चीज़ है वो. उससे ना आप लॉन्ग टाइम तक जिंदा रह सकते हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक. मुझे रियलिटी नहीं पता वैसा होता है कि नहीं, पर हाँ मैंने सुना है वैसा होता है. अब मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर उसको ऐसी कंडीशंस में रखा जाता है कि आप कभी बुढ़े नहीं होते हो, उसमें आपकी एजिंग नहीं होती है बिल्कुल. बहुत तगड़ी चीज़ है यार वो. अब वो मुझे नहीं पता ये 3038 मतलब इनको ज़्यादा साल नहीं हुए, शायद 30 साल हुए हैं. ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पर घर बना लूँ. एक काम करते हैं, अब वक्त आ गया है यहाँ एक बेस डालने का. एक छोटा सा बेस तो मैं डाल ही देता हूँ, मेरे पास इतना सामान है. और यहाँ एक गेट बनाते हैं जल्दी से, और यहाँ पूरा अपन लेके आए ना वो सब बनाते हैं, क्योंकि मेरे को ना यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं यार. ये लो हो गया, और यहाँ पर ना अपना सामान रख देते हैं जो मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है. टू प्रिंट्स तो चाहिए मेरे को, ये नहीं चाहिए, आयरन भी चाहिए. एक मिनट, मेरे को एक चीज़ देखना है, मैं ये बना सकता हूँ क्या यहाँ पर? इसके लिए मेरे को एक सिलिकॉन चाहिए. मेरे को सिलिकॉन मिल जाएगा यार यहाँ कहीं बड़ा? देखो मिल गया, क्योंकि ये बना लूँगा ना तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें और बना सकता हूँ लाइक पानी. ये लो, ये हो गया, ठीक है. और एक और चीज़ बना लेता हूँ मैं, ये ब्लू प्रिंट भी खुल जाएंगे ना तो मेरी जगह खाली हो जाएगी. सिलिकॉन एक और चाहिए, क्योंकि यार अब छोटा नहीं रह गया है. अब देखो बादल भी आने लगे जैसे कि तुम देख सकते हो, अभी मतलब बादल से भर जाएगा आसमान. देखो बादल बनने लगे हैं यार, सीरियसली. ठीक है जल्दी से मैं यहाँ एक ब्लूप्रिंट और डाल देता हूँ. मशीन ये कहाँ गई? ये रही. अभी ऐसे ही टेम्प्रेरी बना रहे हैं, बाद में ये सब हटा के ना अपन यहाँ पर अच्छा भी बना सकते हैं. ये जगह बहुत शानदार लग रही है मेरे को. कुछ तो हुआ, क्या हुआ? स्क्रीन मैपिंग. और ये क्या है? शेडर मशीन, श्रेडर मशीन, पता नहीं क्या करती है. बिग लिविंग कंपार्टमेंट भाई, ये क्या है? न्यू ब्लू प्रिंट, पता नहीं क्या मिला वो मेरे को, मैं अभी पता करता हूँ. ये देखो, ये मिली है श्रेडर मशीन. डिस्ट्रॉय कर सकती है आइटम प्लेस इनसाइड, कोई भी आइटम इसमें प्लेस करेंगे उसे डिस्ट्रॉय कर देगी. ठीक है, मेरे को लग रहा है रिसाइकल बीन टाइप की है. पर इसमें एक चीज़ है, एक्सप्लोसिव पाउडर चाहिए. एक्सप्लोसिव पाउडर मेरे को लग रहा है इसके अंदर बनता होगा, क्या पता. या ये शायद और एडवांस तो नहीं है, ये हाइपर एडवांस ऐसे करके. ठीक है, तो मेरे को न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाना है, उसके लिए भी यूरेनियम रॉड चाहिए मेरे को. और मेरे को और एक और चीज़ खोली है, ये स्क्रीन मैपिंग. इसके लिए माइक्रोचिप कंपास चाहिए, जो कि मेरे पास है. हाँ मेरे पास है. और खुला एक बिग कंपार्टमेंट जो कि यहाँ होना चाहिए. लिविंग कंपार्टमेंट तो है मेरे पास, ये हो ये खुला एक. इसके लिए तीन भाई सुपर अलॉय वाला चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए. तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ना सामान रख देते हैं अभी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है. लाइक ये सब नहीं चाहिए अभी हमें, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए. ठीक है, खाना मेरे पास काफ़ी सारा हो गया है, तो एक खाना यहाँ रख देते हैं और ये खा लेते हैं.
और यहाँ पर मेरे पास पानी है, मेरे को ऑक्सीजन की कमी है, तो मेरे को कोबाल्ट इकट्ठा करके ना ऑक्सीजन जल्दी से बना लेने चाहिए। तो ऑक्सीजन से काम है, क्योंकि मैं थोड़ा सा और आगे जाके देखना चाहता हूँ। यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि पॉड में हो सकते हैं कुछ इंसान, तो मतलब समझ रहे हो, देखने का मन तो हो गई ना। ठीक है, एक ऑक्सीजन काफ़ी है अभी मेरे लिए, लेट्स गो आगे चलता है। ये क्या चीज़ है भाई, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है ना। वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ कुछ केव वेव है क्या? नहीं, इधर से रास्ता बंद है शायद आगे। हाँ वहाँ एक कुछ है, वहाँ केव है, वहाँ केव है, मेरे को दिखी, उसी केव में चलना है अपन को। नाइस भाई, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है यार। ठीक है कोई नहीं, हम यहीं अपना बेस बना लेंगे आगे जाके। पर यार मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें मूव करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत मेहनत लगने वाली है मेरे को। ऑफलाइन पे करना पड़ेगा पूरा ग्राइंड। अभी तो मैं इस केव में जाने वाला हूँ। भाई ये केव देखो कितनी सही दिख रही है। आई होप इसके अंदर कुछ मिल जाए, यूरेनियम वगैरह। बाकी ग्लिच से ऐसा लगता है जैसे वाइट वाइट कुछ दिख रहा है, बाद में जाके सब सही हो जाता है। आई होप वो गोल्डन बॉक्स मिल जाए, उसमें चांसेस रहते हैं यूरेनियम वगैरह मिलने के। पर ये क्या है, ये मेरे को एक्सप्लोजिव से फोड़नी पड़ेगी केव। अरे यार मेरे को एक्सप्लोजिव बनाने ही पड़ेंगे। ये देख रहे हो, ये कोल है गाइस, और ये हम फोड़ेंगे एक्सप्लोजिव से। शिट, अभी नहीं खोल सकता हूँ यार, काफ़ी चीज़ें तो अभी तक खोल भी नहीं सकता हूँ मैं। भाई क्या केव है यार ये, तो मतलब बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज हैं यार इस केव के अंदर, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मेरे को लग रहा है वो वहाँ पर, याद है सबसे पहले हमें एक्सप्लोजिव मिले थे, वहाँ भी एक स्ट्रक्चर था, मतलब एक स्पेसशिप का कोई पार्ट था। ऐसा तो नहीं है उसके अंदर शायद मतलब इंसान उसमें हो हाइपर स्लीप में। भाई मज़ा आ जाएगा यार, इतना सस्पेंस क्रिएट हो रहा है लिटरली, कोई क्या क्या मिलने वाला है यार। ओके आगे जाता हूँ मैं, थोड़ा सा राइट में भी देख के आता हूँ, इधर राइट में भी कुछ चीज़ें तो थी। एक मैंने थोड़ा सामान तो कलेक्ट किया है, पर अभी तक ना मुझे मेरे काम की चीज़ें नहीं मिली है। मैं यार पॉट्स तो बना ही दूंगा मैं, टाइटेनियम और ये सब तो कलेक्ट करके ले चलता हूँ। नहीं देखो यहाँ आयरन है, उठा लेते हैं एक आयरन और एक टाइटेनियम और एक और आयरन और एक और टाइटेनियम और एक सिलिका, और मेरे को याद हो गया है एक टाइटेनियम एक और आयरन, ठीक है हो गया ना, तीन आयरन और एक सिलिका चाहिए बस, इससे हमारा गेट बन जाएगा गाइस। अरे हाँ हो गया, मतलब पॉट और गेट बन जाएगा, तो मेरे को ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक ऑक्सीजन तो मैं ले ही लूँगा। ओ भाई पता नहीं कहाँ कहाँ तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ आज, तो फुल एक्सप्लोरेशन में निकल गया अपना, मतलब पूरा का पूरा। भाई आगे देखो वो जगह क्या है, तो ये जगह क्या है, ऐसा लग रहा है कैनियन, ग्रैंड कैनियन वगैरह होता है ना उस टाइप से है लिटरली। भाई क्या, मैं तो अभी मतलब गेम के अंदर हूँ लिटरली, मैं ये सोच रहा हूँ कोई अकेला बंदा ऐसे प्लेनेट पे फंस जाता होगा जिस प्लेनेट पे कुछ नहीं है, इनफैक्ट एलियन तक नहीं है। एलियन हो तो थोड़ी फटी में भी रहे, पर यहाँ तो भाई अलग टाइप का डर, डिप्रेशन वाला डर होता होगा। ठीक है यहाँ पर मेरे को कुछ मिला है, ओहो ओहो इतना काफ़ी है मेरे लिए अभी, और भी देखते हैं। ब्लूप्रिंट चिप तो चाहिए ही ना, हमें हर चीज़ अनलॉक करनी है अपनी। वो देखो वहाँ अलग टाइप का कुछ है, ब्लू ब्लू दिख रहा है तुम्हें। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, कोई नहीं, अब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो मैं पॉट बना लूँगा। बाकी रात हो गई है यार, मेरे को रात को रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, मैं जल्दी से पॉट बना लूँगा अगर कुछ भी सीन होता है तो। भाई मेरा घर उस साइड है, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, वहाँ कुछ है यार, वो ब्लू ब्लू दिख रहा था शायद ग्लिच से दिख रहा होगा मुझे लग रहा है। चलो भाई पानी पी लेता है, और पानी में यूरेनियम भूल रहा था मैं, व्हाट द हेल, ऐसा यूरेनियम और कहीं तो नहीं छोड़ दिया मैंने, क्या पता भाई। वो देखो यार वहाँ कुछ तो है, आखिरकार मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ बर्फ है गाइस, देखो ठंड तो नहीं लगने वाली है ना, देखते हैं वहीं जाके पता चलेगा। बिल्कुल ही मतलब नई जगह पहुँच गया हूँ मैं। ओहो अभी तो मैं पता नहीं कितना ही एक्सप्लोर किया हूँगा जब मैप। ओह यहाँ पर भी ओके, भाई यहाँ पर भी एक बॉक्स पड़ा हुआ, मतलब अपना वो जो कार्गो शिप है उसका एक पार्ट पड़ा हुआ है, और यहाँ बर्फ है आइस। वो देखो होवर, ये व्हील्स हैं क्या, आई थिंक ये क्या था, यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिखा ग्रीन ग्रीन, नहीं कुछ नहीं है। यहाँ पर एक बॉक्स ज़रूर है पीछे, गोल्डन बॉक्स नहीं मिलेगा क्या। ब्लूप्रिंट है, यूरेनियम है, चलो ये अच्छा है, और तो कुछ नहीं चाहिए अभी मुझे।
ये बॉक्सेस ना मैं पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना बाद में कभी मैं वापस आता हूँ और मेरे पास जगह नहीं हुई तो इनमें कम से कम रखा तो रहेगा सामान, ठीक है। इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। ओके, ये सिर्फ एक पार्ट है और ये शायद साइड का प्रोपेलर टाइप कुछ है, देखो व्हील्स भी हैं। तो गाइस मेरे को लग रहा है यही रास्ता है मेरे को घर जाने का, और मैं घर नहीं जा सकता हूँ, मैं हाँ जा सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैंने यूरेनियम अपने पास ही रखे हुए हैं, उसमें मैंने सिर्फ शायद पता नहीं क्या फेंक क्या छोड़ा था यार मैंने उनमें, मेरी याददाश्त तो इतनी कमज़ोर है ना क्या ही बताऊँ। पर ओह ये भी पिघल रहा है, ये भी पिघल रहा है, 100 TI पे ये सब पिघल जाएंगे ना, ये केव्स खुल जाएंगे, मैं इन केव्स में जा सकता हूँ फिर 100 NK पे, और शायद मैं 60-70 NK तो पहुँच गया हूँ। अभी मैं हीटर बना दूंगा ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हीटर बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक रॉड चाहिए इरिडियम जो मेरे पास है, तो मेरे को सबसे पहले ना हीटर बनाना चाहिए, और मेरे पास है ना वो भी है एल्यूमिनियम। चलो चलते हैं घर पे, अब मैं हीटर बनाता हूँ, मेरे को रास्ते तो मैंने देख लिए। मैं इसके ऊपर से पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ क्या, मतलब मज़ा ही आ जाएगा, इसके अंदर भी यूरेनियम मिल जाए। नहीं है कुछ था क्या एक्स्ट्रा भाई, नहीं है। ओके आई होप मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता हूँ, इधर से चढ़ जाऊंगा मैं शायद पहाड़ के ऊपर, और कुछ तो नहीं दिख रहा है मेरे को भाई, ये तो बिल्कुल मतलब समझ रहे हो रेगिस्तान है, मरुस्थल हिंदी में ऐसा बोलते हैं उसको। ओके मैं आ गया ऊपर, अच्छा यहाँ से फिसलते फिसलते नहीं है भाई, वरना हालत ही ऐसा हो जाएगी। ओह भाई स्नो बायोम है, अब तो जाना पड़ेगा उधर, आज नहीं जाएंगे पर जाएंगे। ये क्या है, और गाइस मेरे को तो अभी तक सल्फर भी नहीं मिला यार। हाँ एक्सप्लोजिव तो सल्फर से ही बनेंगे। ओके यहाँ तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, नो वे, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, क्या बड़ा बायोम है भाई, ओ क्रेजी हो जाएगा क्रेजी। अभी चलते हैं जल्दी से घर की साइड, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं और हमारा ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। अब मेरे को कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा या फिर, और यहाँ पर ना कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं तो वो और देख लेते हैं, अपन एक कंपार्टमेंट बना लेंगे यहाँ पर अगर मेरे को लग रहा है। ओके यहाँ तो इनने कुछ बिल्ड करने की कोशिश की है गाइस, इनने कुछ बिल्ड करने की कोशिश तो की है यहाँ पर। ओ नहीं, और यार ठीक है गोल घूम के चले आएंगे। ये देखो यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश की है पर हो नहीं पाया इनसे, इस तरफ शायद तक मैं तोड़ सकता हूँ क्या, नहीं तो दिख रहा है तुम्हें, पूरा बिल्ड करने की कोशिश तो की है इनने, पता नहीं कैसे बिल्ड किया इनने। ओके मैं अंदर जा सकता हूँ, अंदर क्या होने वाला है, ओहो आयरन ही आयरन मिलेगा इससे तुम्हें, कितना ज्यादा टूटा फूटा है भाई ये। ओके काफी ज्यादा चीजें हैं यहाँ, ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए सुपर अलॉय चाहिए भर भर के, ठीक है खाने का पाउच रख लेता हूँ अभी जगह है जब तक, नहीं तो कहीं छोड़ दूंगा किसी और बॉक्स में। ओके यहाँ से भी ओपन है, ऑक्सीजन मिल जाए यार थोड़ा सा। ये क्या है 300 ये रख लेते हैं भाई, ये नई चीज़ मिली है मेरे को। इरिडियम तो चाहिए यार मेरे को, इरिडियम भी चाहिए वैसे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अभी मैं फेंक दूंगा काफ़ी चीज़ें। मेरे को लग रहा है ना मेरे को एक काम कर लेना चाहिए, लाइक मेरे पास कितना सामान है, एक काम करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए ना मेरे को पहले यहाँ पर कुछ बनाना ही पड़ेगा। ठीक है और एक गेट बनाने के लिए, ठीक है यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन सिलिकॉन चाहिए मेरे को, ठीक है और कोबाल्ट चाहिए, इसके अंदर है क्या सिलिकॉन, नहीं है, इसके अंदर है सिलिकॉन, हो गया। अभी मेरे को कोबाल्ट चाहिए, उसके बाद ओके चिप मिली, और क्या क्या सामान है यहाँ भाई, ये तो बिल्कुल ही मतलब खतरनाक सा सीन है। ये क्या है, यहाँ नए टाइप के पौधे मिल रहे हैं, ये मैं ले लेता हूँ अभी, ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये 200% दे रहे हैं ऑक्सीजन। यूरेनियम बहुत सारा चाहिए मेरे को, सुपर मेटल चाहिए, यूरेनियम चाहिए, इधर से मैं ये फेंक सकता हूँ अभी, और खाना रख सकता हूँ, ठीक है ये भी रख सकता हूँ मैं, इसको इसको फेंक देते हैं, ये रख लेते हैं, और कुछ नहीं चाहिए अभी, डन ये हो गया। यहाँ एक और बॉक्स है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं तो ये हटाओ, मेरे को भाग के जाना पड़ेगा इसके बाद, मुझे समझ में आ रहा है क्या, और क्या चाहिए मेरे को, ये ओके हटाओ, एक और खाने का पाउच रख लेते हैं, खाना तो मैं घर पे पूरा इकट्ठा कर दूंगा, खाने की कमी होनी नहीं चाहिए। ओके एक और मिल गई हमें चीज़,
ओ ये हटा ही देते हैं सिलिकॉन तो अभी। ए भाई कितना सामान है। ओ क्या हटाऊँ क्या हटाऊँ। काश मैं, एक मिनट मेरे को देखने दो जरा, मैं ये कितने में बना सकता हूँ। एक स्क्रीन ये वाली ब्लूप्रिंट वाली, एक आयरन और एक सिलिकॉन में। ठीक है तो एक काम करते हैं, इसके अंदर ज़रा ये रखते हैं। अरे गिरा दिया मैंने। ठीक है ये उठा नहीं पाऊंगा मैं एक बार, ये तो उठा लिया मैंने। रुको ओके, सिलिकॉन उठा लिया मैंने, आयरन और उठाना है मुझे। एक और खाना रख देता हूँ, एक मिनट आया। अब एक काम करते हैं जल्दी से ना, एक वहां पर ब्लूप्रिंट की और बना लेता हूँ स्क्रीन, तो मेरे लिए जगह खाली हो जाएगी थोड़ी सी। ये बना दिया अपन ने, ब्लूप्रिंट कहाँ है, व्हाट द हेल। ये रही, लो भाई ब्लूप्रिंट सीख लो जल्दी जल्दी। क्या सीख गया, T4 माइनिंग स्पीड, T2 ब्लूप्रिंट पिनिंग, पता नहीं क्या है। ओके सैटेलाइट GPS ऑलरेडी, ओ T3 भाई ये मिल गए, बूट्स बनाएंगे अपन। और भी है मेरे पास, जेट पैक, T2 जेट पैक भी मिल गया भाई, T1 ही नहीं बनाया अभी तो। T2 जेट पैक भी मिल गया मेरे को, और एक माइनिंग मेरे को यार एक चीज़ मिली है जो भागने दौड़ने में बहुत काम आती है, आई थिंक वो उसी में दिखेगी मेरे को। अभी देखो जगह खाली हो गई है अपनी, फटाक से चलते हैं और सामान उठाते हैं जल्दी जल्दी। इसके अंदर है ना और एक्सट्रैक्टर भी आ गया। ओ भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने खोल ली हैं, ये सब यूज़ करते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है और ये तो मेरे को अभी नहीं चाहिए, अभी के लिए रख लेते हैं, जहाँ खाली होगा वहाँ कर देंगे। एक और ब्लूप्रिंट तो अपन ने ले लिया ना, बाकी यहाँ है कुछ जो कि उधर तक ले जाता है मुझे, पर मैं अंदर और चेक करना चाहता हूँ, कुछ रह तो नहीं गया है। हाँ ये रह गया ना, देखा नहीं कर लिया मैंने। एक मिनट यहाँ पर ऐसा लगा जैसे अलमारी है, नहीं है। चलो यहाँ से निकलते हैं, अब मेरे को निकलना ही है गाइस। हो भाई ये तो बहुत खतरनाक सी जगह है। ओके आ गया मैं, इधर से नहीं इधर से जाना पड़ेगा मुझे। ओ ओ ओ ये क्या है भाई, ऐसे मिलते हैं सुपर अलॉय, क्या फेंकूं। भागो 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 भागो, उरे ओहो भाई यहाँ तो नीचे भी बहुत सामान है। भागो यहाँ से, जल्दी निकलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अब मेरे पास ना ऑक्सीजन नहीं बचेगा वरना, क्योंकि यही लास्ट था मेरा ऑक्सीजन। ओके यही स्ट्रक्चर थे जो मैं बोल रहा था, जो खड़े हुए स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे मेरे को। ओके अब नीचे कैसे उतरूँ मैं, व्हाट द हैक। अरे नहीं 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 गिर मत जाना भाई, ये नीचे उतरने में तो मेरी हालत खस्ता हो जाएगी। नहीं 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 प्लीज। ओ नहीं, ओ भाई हड्डी चटक गई। ठीक है पर मेरा ऑक्सीजन है अभी भी, खाना खा लूंगा वो तो मैं। भागो भागो भाई, बहुत सारा सामान मिल गया मेरे को। ओ कितना सामान तो मैं छोड़ के आया हूँ, जगह जगह बना के आया हूँ, बाकी ब्लूप्रिंट तो बहुत अनलॉक कर लिया मैंने। बस यार मेरे को और भी सारा मिलना चाहिए था। वो क्या चीज़ दिख रही है, मेरा घर का साइन है क्या वो। कई काफ़ी सारे बादल आ गए हैं यार, मैं एक बार जाके ना देखना चाहता हूँ। हीट वेव आ रही है भाई, कितने सही टाइम पे पहुँचा हूँ मैं। ओह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया गाइस, बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ, तुम लोग हो कि नहीं। शिट अकेला हूँ मैं जिंदगी में। मज़ा आ गया, खाने की चीज़ तो इधर रखने वाले हैं अपन पूरी। ठीक है उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें खाली करता हूँ पहले। आज ना बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ मैं, रॉड बनाने के लिए तो और चाहिए यूरेनियम नो डाउट, पर ये जगह मेरे को खाली करनी पड़ेगी। सुपर अलॉय भी देखो कितना सारा कर दिया मैंने, अब है ना यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ, ये सब इधर खाली करो। ठीक है और अपन बनाएंगे एक पूरा का पूरा नया का नया डिब्बा अलमारी, इधर भी नहीं बनाएंगे इधर बनाएंगे खाने की अलमारी, लाइक इधर कहीं इधर कहीं इधर इधर बना देते खाने की अलमारी। और अलमारी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 आयरन, और 3 आयरन मेरे पास होंगे कि नहीं है, ये उठा लेते हैं। क्या और एक अलमारी यहाँ बना देते हैं फटाक से, और इसमें रखते हैं सारा खाने का आइटम। देख रहे हो कितना सारा खाना इकट्ठा कर लिया मैंने, ये सारा ही रख देता हूँ मेरे को जितना दिख रहा है, क्योंकि वही दिख रहा है मेरे को और कुछ नहीं दिख रहा था।
ओके गाइस, अब मेरे को बहुत सारी चीज़ें मैंने अनलॉक कर लिया, तो एक बार मैं देखना चाहता हूँ इसमें से मैं क्या क्या बना सकता हूँ। लाइक ये नहीं बना सकता हूँ, इसके लिए मेरे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूरेनियम चाहिए। सुपर अलॉय भी मैं बना सकता हूँ, पर मेरे को पड़े हुए काफ़ी मिल गए, तो यार इससे पता चल जाएगा मैं और क्या बना सकता हूँ। लाइक मेरे को एक ये बनाना है, इसके लिए टाइटेनियम रॉड, इरिडियम रॉड चाहिए, जो कि मेरे पास है। आई थिंक मेरे पास इरिडियम रॉड है, गिरी ठीक है। और क्या चाहिए था, T2 नहीं T3, इरिडियम रॉड चाहिए, सिलिकॉन, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम, तीनों हैं, सिलिकॉन, टाइट एल्यूमिनियम और टाइटेनियम आई थिंक इधर होना चाहिए, नहीं टाइटेनियम लाना पड़ेगा। दो मतलब दो मिनट में लेके आया, दो मिनट में भाग कर लेके आता हूँ टाइटेनियम, जहाँ कहीं पड़ा था मैंने देखा था ये रहा। अभी तो मेरे को लग रहा है ऐसे आना पड़ेगा, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें नहीं है मेरे पास, अब बड़ी बड़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। तो ये हीटर बनाने के बाद मेरे को देखो अभी कितना हो रहा है, यहाँ 63 हो रहा है ना NPK, ठीक है इसको बढ़ाना है अपन को। ऑक्सीजन लेवल तो बढ़िया चल रहा है अपना, और प्रेशर भी, अब मेरे को मशीन लगानी पड़ेगी ना, तो ये तो यहाँ ठीक है। अरे यार मेरे को जगह नहीं बच रही है, वो हटा दूँ क्या, ये हो गया क्या पूरा, मीन्स कितने परसेंट हुए, 100% हो गए। चलो आ जाओ इधर आ जाओ, पर तुम्हें अब यहाँ से हटने की ज़रूरत है, तुम्हें ऊपर बनाया जाएगा। चलो तो यहाँ पर अपन लगा देते हैं एक T3 का हीट। ओ भाई ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है बेटा तुम भी हटो, चलो आ जाओ। अब यहाँ लगेगा एक T3 का हीटर, काफ़ी बड़ा है हीटर। ओके मेरे को लग रहा है आगे जाके मेरे को बिजली की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अपन ऊपर चलते हैं, मैं ऊपर बनाने वाला था सामान। ओके यहाँ मैंने पूरा खोल दिया, इधर मैं बनाऊँ कहाँ, ऐसी जगह पे बनाता हूँ जहाँ मेरे को अभी और नहीं बनाना है, यहाँ बनाता हूँ मैं। ये देखो मेरे को T3 वेजिट्यूब भी बनाने के लिए 2 सिलिकॉन, 1 एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, सिलिकॉन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, सिलिकॉन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिलिकॉन एल्यूमिनियम, ओके और सिलिकॉन और चाहिए, इतने से काम नहीं होगा, मैग्नीशियम भी और चाहिए। तो इसमें है क्या, जितने सिलिकॉन है सारे उठा लेता हूँ, सिलिकॉन सिलिकॉन मैग्नीशियम मैग्नीशियम, हो गया अब तो बन जाएगा। एक मिनट, और खाने का सामान भी उठा लेता हूँ ना, कहाँ गया वो मेरा खाने का, यहाँ है पूरा, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है यहाँ से मैं ये उठा लेता हूँ, सबसे ज़्यादा खाना है, पेट यही भर रहा है मेरा। एक और चीज़ है, ये नई है, ये मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया, तो इसको उठा लेते हैं अपन, इससे तो पेट भर लेते हैं। ये उठाते हैं और एक ये उठाते हैं, चलो चेक करते हैं, लेट्स गो। कहाँ गया वो वेजी ट्यूब, कहाँ बनाई है मैंने, इधर कहीं तो अच्छा अभी बनाई नहीं है, इधर बनाने वाला हूँ मैं। ये वाली अभी तक बनाई भी नहीं है शायद मैंने, ये बन क्यों नहीं रही है, पर सब कुछ तो है मेरे पास। इंसर्ट अ सीड इन द डिवाइस टू जनरेट O2। अरे खाने का नहीं है, फूड ग्रोअर बनाना है मेरे को, मैं भी ना बुद्धू। ये रहा फूड ग्रोअर, एक और चाहिए, लाइट खत्म, हो ठीक है ये सब तो रख ही देता हूँ मैं। ये कितना परसेंट करता है पूरा, नहीं समझ में आएगा, 30% नहीं, अच्छा ग्रोथ है वो, ग्रोथ ग्रोथ अभी खाने के बाद पता चलेगा ये कितना करता है। चलो अब मेरे को बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी फुल, ठीक है, और वो बनाने के लिए मेरे को चाहिए ये, इसको बनाने के लिए चाहिए एक आयरन कोबाल्ट और एल्यूमिनियम, आयरन कोबाल्ट और एल्यूमिनियम, आयरन कोबाल्ट और एल्यूमिनियम, ये सब मुझे बाहर मिलेंगे मुझे लग रहा है। आयरन नहीं है, कोबाल्ट नहीं है, एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है, आयरन भी चाहिए, एक एक और चाहिए, आयरन और कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट तो मिल गया, आयरन चाहिए, जल्दी से लेके आता हूँ यार। हाँ सबसे पहले बनाना है मेरे को बिजली, बिजली नहीं है अपने घर में, ये दिक्कत है यार, बिजली तो मतलब आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा, अभी मेरे को समझ में आ गया ये, तो मेरे को ना न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना ही पड़ेगा, और वो यूरेनियम रॉड से बनेगा। मेरे को लग रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर ना हमें फिजन करके बिजली देगा, जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा हुआ है भाई। ये तो बढ़िया है यार पूरा, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए तो एक नंबर है, मज़े आ जाए ऐसे, ऐसी चीज़ें पढ़ने के लिए हो ना, मतलब ऐसे गेम्स बना देना अगर पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो भाई काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं लोगों को, आधे तो आप वैसे ही इंटेलिजेंट हो जाते हो भाई। ओके ऊपर जाना है मुझे, वैसे मैं उससे भी जा सकता था मेरी लिफ्ट से, पर ठीक है आ गया मैं।
वापस नीचे चले जाऊंगा इधर से। ओके आ गई गाइस बिजली आ गई। और बना सकता हूँ? नहीं, दो कोबाल्ट चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए। एल्यूमिनियम है क्या मेरे पास? एल्यूमिनियम तो है, दो कोबाल्ट चाहिए। देख रहे हैं कोबाल्ट यहाँ, एक और बना देता कम्प्लीट ही हो जाता फिर, मतलब बीच में छूटना नहीं पड़ता। यहाँ से कूदूंगा तो पक्का मेरा पैर वैर टूट जाएगा। पानी भी चाहिए। ओ भाई लॉन्च प्लेटफॉर्म आ गया, अब हम फेंक सकते हैं अपनी, मतलब जो स्पेसशिप खुले ना वो सब ऊपर उड़ा सकते हैं भाई। ये हुआ ना कोई बात। अरे यार आइस का है, मेरे को पानी भी चाहिए। आइस चाहिए और क्या चाहिए था? कोबाल्ट। क्या आइस मिल गई? ये रहे दो कोबाल्ट और एक आइस। दो कोबाल्ट और उठा सकता हूँ। हाँ यही उठाते हैं आइस तो। ठीक है, हो गया ना, कुछ मिस तो नहीं किया? हो गया, लेट्स गो भागो। हाइड्रेशन लेवल लो है, पानी बनाना पड़ेगा। और बिजली तो आ गई है हमारे घर में, के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर। मैं न्यूक्लियर रिएक्टर डायरेक्ट बना दूँ तो पहले देखें ज़रा। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए यूरेनियम रॉड चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, पर इतने यूरेनियम भी नहीं होंगे। नो वाटर बॉटल चाहिए और सुपर अलॉय है यार, बस एक यूरेनियम रॉड चाहिए यार। पता नहीं कितनी बिजली पैदा करता होगा वो, बिजली पैदा करता है या कुछ और तो नहीं है। क्लाउड्स आ गए गाइस, हमारा एक और मिशन पूरा हो चुका है क्लाउड्स वाला। मेरे ऊपर क्लाउड्स पूरे आ चुके हैं जितने आने थे। अभी देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। रेन, अगली स्टेज में रेन होने वाली है गाइस। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्लाउड्स मैंने क्रिएट कर दिया, तो आज का एपिसोड तो भाई हो गया है अपना तगड़ा। तो यार मेरे को न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना था, उसके लिए यार मेरे को यूरेनियम चाहिए। पहले तो मैं पानी बना लेता हूँ मेरे लिए, ये छोटे वाले में बनेगा। अच्छा छोटा चाहिए ही था गाइस मेरे को, वरना वाटर कैसे बनाता मैं। ओके अच्छा एक मेरे पास रखा था यार, ठीक है कोई नहीं। मेरे को एक चीज़ देखना है, यूरेनियम रॉड। एक दो तीन चार पाँच छः यूरेनियम है, तीन और होते तो भाई मैं न्यूक्लियर रिएक्टर बना देता। एक तो बिजली है ना, हाँ है, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए एक दो तीन। ओह ओह हो गए गाइस, न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा। क्या क्या चाहिए न्यूक्लियर? एक तो रॉड बनाते पहले तो। अरे नहीं टैक्स नहीं चाहिए, बाद में लिखेंगे नाम वाम अपन। अरे ये सब हटाओ, ये सब रखो। कहाँ गया एक और? खाना खाना इस पर रख देते हैं अपन, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है अब बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। और ये खाने का अपन ने तो हटा ही दिया है, रॉड बनाएंगे। अच्छा हाँ पहले छः और उठा ले, चार पाँच छः। ओके आ गई है हमारे पास एक रॉड, और अब बनाना है हमें न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि हमें एनर्जी इतनी देगा है ना, जनरेट्स एनर्जी दैट पावर्स ऑल द मशीन ऑन द प्लैनेट। ये और बनाने पड़ेंगे, मतलब सुपर अलॉय चाहिए, दो एक पानी की बोतल चाहिए। पानी की बोतल अभी बना लेते हैं, और सुपर अलॉय मेरे पास ऑलरेडी है भाई, मज़ा आ जाएगा। सुपर अलॉय तो बहुत है मेरे पास, कहाँ गए यार? पर अच्छा उसमें भर दिए क्या मैंने सारे? हाँ एक दो तीन हो गया। ओके वक्त है अब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का, बस मैं वही सोच रहा हूँ कि इसे कहाँ बनाऊँ। इधर ही बना देता हूँ गाइस। ये ओ भाई ये तो बहुत बड़ा है, ये कैसे बनेगा यहाँ? ये तो बाहर बनाना पड़ेगा हमें प्लेटफॉर्म बना के, है ना? और प्लेटफॉर्म बनेगा अपना आयरन का। अरे यार ये तो गलत जगह हो गई, मेरे को यहाँ नहीं बनाना था न्यूक्लियर रिएक्टर, मेरे को अपना पूरा बेस ही दूसरी जगह बनाना है। एक काम करते हैं, एक यहाँ बना देते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो बाद में एक और बना लेंगे यार, ठीक है? क्योंकि चेक तो करें यार होता क्या है ये। यहाँ बना दूँ क्या? ये जगह भी तो बढ़िया है, ये देखो ऐसे नीचे घुसा रहेगा। ओके इससे क्या होने वाला है? क्राफ्ट योर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, चलो इससे क्या होगा? एनर्जी आने वाली है कितनी? 85 किलोवाट। भाई मेरे को उसमें देखना पड़ेगा ये तो, इसमें कि मेरे पास अब कितनी एनर्जी है। 99 किलोवाट, कितनी एनर्जी देता है ये? 86 भाई, ये तो और बनाएंगे यार, ये तो बेस्ट चीज़ मिल गई है। ओके भाई मज़ा आ गया,
मजा आ गया गाइस। तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना यार। अब अगली बार हम बारिश कराएंगे तो भाई बहुत ज्यादा क्रेजी होता जा रहा है एक एक दिन। तो मिलते हैं डायरेक्ट अगले एपिसोड में यार। ध्यान रखना अपना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। और भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, पता नहीं क्या क्या चीजें अभी छुपी हुई है इधर। और मैं एक चीज और देखना चाहता हूँ, मेरी हीट कितनी हो गई, क्योंकि अभी तो केव खुलने वाली होंगी 82 कुछ टाइम बाद ना गाइस केव खुल जाएंगे। हम नया बेस कुछ टाइम बाद बनाएंगे, अभी तो यही बना के देखते हैं, बारिश करा के देखते हैं, उसके बाद हम केव बनाएंगे। बाकी वहां मैं थोड़ा थोड़ा ना सामान इकट्ठा करता रहूंगा, जब जब मैं एक्सप्लोर करने जाऊंगा ना तब तब मैं सामान इकट्ठा करता रहूंगा, या एक और बेस वहां तैयार कर दूंगा, एक बेस यहां कर दूंगा। तो डायरेक्ट मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।